खरगोन जिले में बेरोजगार युवा संघ और आदिवासी छात्र संगठन के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बेरोजगारों ने कल भोपाल में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और जांच की मांग की और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। कलेक्टर को क्या मांग की आप? हमने कलेक्टर महोदय से मांग की कि हम बेरोजगार युवा और आदिवासी छात्र संगठन के सारे युवा भाई बहन सभी साथी हम लोग जो है कल भोपाल में हम लोगों ने इसी भर्ती के लिए हम लोगों ने मांग के लिए हम भोपाल गए। वहाँ पर हमने मांग रखी और वहाँ पर हमको बिना चेतावनी के और बिना किसी प्रकार के ये किए हमको जो है वो बताए हुए सीधे से पुलिस प्रशासन ने हम पर लाठियाँ बरसाई और बुरी तरह से हम लोगों को मारा गया वहाँ पर। मांग क्या है जी? हमारी मांग ये है कि हमें रोजगार दिया जाए। हम बेरोजगार युवा अपनी जो रोजगार की बात है उसको लेकर बहुत त्रस्त हैं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। आज हम अगले दिन अगर कुछ खाते हैं तो कहाँ से आएगा वो, हम उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मानस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।